सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी भीमा शंकर उर्फ कुशल तिवारी के लिए जनपद मुख्यालय पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस विशाल जनसभा को सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संबोधित किया। सभा में पहुंची हजारों की संख्या की भीड़ से मैदान खचाखच भरा था। भीड़ का उत्साह देखकर अखिलेश यादव भी पूरी तरह जोश से भरे दिखे। ये सरकार बदलने जा रही है। 10 साल सरकार ने किसान, नौजवान और व्यापारी के साथ भेदभाव किया है और ये चुनाव संविधान बचाने का है। संविधान बचाने के चुनाव में हर वर्ग के लोग साथ आ गए हैं और हर वर्ग के लोग हर चीज़ की सीमाएं तोड़ करके मतदान करने जा रहे हैं। ये 400 पार इसलिए बोल रहे हैं कि लोकसभा में 553 सीटें हैं, 543 सीटें, 543 सीटों में 400 पार का मतलब 143 सीटें। जनता इस बार 140 सीटों के लिए भी इन्हें तरसा देगी। समाजवादी पार्टी मुकाबला कर रही है सीधा दिल्ली की सरकार हटाने के लिए। मंत्रिमंडल हटेगा, नया मंत्रिमंडल बनेगा।